किसान दोस्तों सत श्री अकाल, मैं कुदरती खेती किसान करमित्र सिंह। जिवें कि बहुत सारे पौधे ने जिहड़े वध पाणी दी मंग करदे ने, पर उन्हां तों कई गुणा वध पौधे ने जिहड़े बिना पाणी तों हो सकदे ने, जां घट पाणी नाल जे बारिश होगी तां उहनां दा सर जांदा। जिवें अपने खेत विच तां सारे पौधे घट पाणी वाले, बहुत सारे पौधे तां इहो जिहे ने जिहड़े बिना पाणी तों होए ने। जे बांस दी गल करिए तां सोका वी चल सकदा ते घट पानी ना हो सकता, वध पानी भी पै गया तां वी इहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, बरसात च बहुत मलदे ने। ते इस तरह नींबू जाति दे पौधे ने, उह भी घट पानी ना हो जांदे ने। जिवें आ अनार आ अपने कोल खड़ा है ते बिल्कुल ही घट पानी दी फसल है जी, ते इहनूं बारिश दा पानी लग गया हो जांदा। जिवें आ आंवला जी, ते आंवला भी इक घट पानी दी फसल आ, सोका चल सकदा। ते अगे अपने पिछली साइड थोड़ा जिहा पिछे आटमा देखिए तो फालसा जी, फालसे का पत्ता बहुत बड़ा ते फ्रूट बहुत छोटा होंदा, पर वो एक घट पानी वाला पौधा जिहड़ा पानी घट तो घट पानी ना हो सकता। बाकी ये आ भी जो धरती पानी स्टोर कर लग जाती, हो सकता साडी मिट्टी पानी स्टोर कर दी, मैनूं लगी जांदा भी घट पानी वाले पौधे ने, ते जिन्हां नूं कंडे होण उह पौधे घट पानी ना हो जांदे ने। पर इहदे विच मिट्टी का योगदान भी बहुत ज़्यादा हुंदा है, क्योंकि मिट्टी पानी स्टोर कर लैंदी है, तो जो स्टोर कर लैंदी तो जड़ां नूं पानी मिलता रहिंदा, अपने विचों नमी खत्म नहीं होण दिंदी। पौद्यां नूं सिर्फ नमी की जरूरत हुंदी है, ना कि बहुत ज़्यादा गोडे गोडे पानी भर के लाउण दी। जदों नमी स्टोर होगी तो तुहाडे सारे पौधे बच जांदे ने, साडे होर बहुत सारे पौधे ने जिहड़े घट पानी नाल हो रहे ने। ते जदों मिट्टी पानी स्टोर करदी है तो उहदी की निशानी हुंदी है, तां जदों मीह पैंदा जिवें दो दिन तीन दिन चार दिन मीह पैया, तुसीं चार दिन बाद अपने खेत 'च आए जां दो दिन बाद गेड़ा मारिया तां तुहाडे खेत 'च पानी नहीं खड़ा होना। पानी धरती विच इन्ना छेती क्यों चले जांदा? जिहड़ियां अपने घाह हुंदा जी, कोई रब दी बनाई हुई चीज़, कोई भी चीज़ गलत नहीं हुंदी। आपां नूं लगदा वी नदीन साडा दुश्मन आ, पर जिहड़ा नदीन जिथे होगा उत्थे पानी भी मिट्टी दे विच धरती विच बहुत छेती खप जांदा ते तुहाडे गारा नहीं बणदा। ये भी अपना रोल अदा करदा जी, नदीन जिहड़ा घाह है ते पानी थल्ले चले जांदा, पैर नहीं धुसदा। तो जदों पानी थल्ले चले जांदा, मिट्टी ने स्टोर कर लिया, तो सोके दे समें भी वह पानी वापस उपर नूं आ जांदा, जिवें बाष्पीकरण का जो सिस्टम है कुदरत का। पर जिहड़ा मिट्टी 'च काड़ बन जांदा वह गंडोए जां कुदरत वल्लों टुट जांदा जां समां लंघणते, क्योंकि क्यों आपां जिथे कैमिकल की वरतों करते हैं जां भारी मशीनरी चलती रहिंदी है तो एक तां सख्त हो जाती है। पर कुदरती खेती विच रुख लंबियां टाहणियां वाले पौधे जां कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाता भी कड़ अपने आप ही टुटन लग जाता, क्योंकि जिहड़ी कुदरत है, नेचर है, परमात्मा है, हरेक चीज़ की रिपेयर की जाती है। उस तरह इन मिट्टी की रिपेयर भी होंदी रहिंदी है, जिवें अपने शरीर नूं बीमारियां लगदियां ने, अपना शरीर भी खुद रिपेयर करन जाणदा, ते मिट्टी के तत्त ते अपने शरीर के तत्त भी इक्को जिहे ने, मिट्टी भी रिपेयर करदी है। पर गल इह आ वी उत्थे जो कुदरत दा रूल है, नियम है, उहदे नाल छेड़छाड़ ना की जाए। जिन्नी किसी इंसान वध छेड़छाड़ करता उन्नी ओह मिट्टी खराब हुंदी चले जाती है। सो कुदरत दे विच बहुत कुछ छुपिया आ, सानू कुदरत नाल नाल तुरन की आदत पाउणी चाहीदी है, तो सीखना चाहीदा। ते जदों कुदरती खेती विच तुसीं कुदरत नाल मेलजोल बधाउंदे आ तां तुहानूं बहुत वधिया रिजल्ट मिलदे ने। जिहड़े पौधे होणगे उहनूं बीमारियां नहीं पैंदियां, हरे भरे रहिंदे ने, ते सोका झलण दी ताकत वधदी आ। ते जदों सोका झलण की ताकत वध गई तो उहदी जड़ प्रणाली मजबूत होगी, क्योंकि दूर तक पानी की खोज 'च जड़ां जाणगियां, ते जद जड़ दूर जाऊ तो वह खुराकी तत् न्यूट्रीशन भी मिट्टी 'चों लभ के पौधे नूं देणगे, पौधे तो फल तक पहुँचणगी, फल तो बाद कुछ आपां खा लैंदे आ, ते जिहड़े पंछी ने उह भी खांदे ने, क्योंकि पंछियों का आना भी अपने खेतों में बहुत जरूरी हुंदा। पंछी एक रब का बनाया जीव है जिहड़ा तुहाडे खेतों 'चों एक कीट कंट्रोल करन दा बहुत वड्डा रोल अदा करदा। जदों आपां कैमिकल वरतदे आ तां सारे कीड़े मारे जांदे ने, ते पंछियां दे खाण लई कुछ नहीं रहिंदा, पर जिथे कुदरती खेती हुंदी उत्थे पंछी जदों कीड़े खांदे ने तां इक तां आपणा खर्चा घट जांदा है, इक किसे जीव नूं तुहाडे वल्लों कीते गए काम ते भोजन मिलदा। सो कुदरती खेती है जिहड़ी कुदरत नाल मेलजोल रखदी आ, ते लोकां नूं समाज नूं इंसान नूं सेहतमंद बनाउण 'च अपना योगदान अदा करदी आ। सो थोड़ी तो थोड़ी जिवें घट तो घट जगह तो आपां नूं कुदरती खेती वल जरूर आना चाहिए, वातावरण बचाउण विच, पानी बचाउण विच, ते हवा नूं जो कि सिधांत है महाराज जी दा, पावन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, जे उहते पहरा देणा तां आपां नूं कुदरती खेती नाल जरूर जुड़ना चाहिए। मैनूं नहीं लगदा कुदरती खेती तों बिना आपां पावन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दे जो सिधांत आ ते चल सकदे आ।
ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।